Hello friends and welcome back to Code with and welcome back to Python Masterclass series. सो so, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पाइथनस के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ फॉर लूप इन पाइथंस सो फॉर लूप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिमिलरली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी फॉर लूप एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इसको हमें कभी यूज करना चाहिए कौन से सीनारी में यूज़ करना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझा दूँगा ठीक है सो हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले इस लेक्चर्स में वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है सो फॉर लुक कन्सेप्ट सो फॉर लुक कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या सीखने वाले हैं वॉट इज़ फॉर लुक सो इन प्रोग्रामिंग यू ऑफन वॉन्ट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स टू डू सो यू यूज अ फॉर लुक अभी कैसा होता है कि सपोज हमारे पास एक लाइन है ठीक है कि हमें print करना है one. One प्रिंट करना है वन अभी इसी वन को मुझे सपोज अगर दस बार प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा दस बार प्रिंट वन प्रिंट वन प्रिंट वन लिखूंगा ठीक है अप टू टेन टाइम्स तो इससे क्या होता है कि नंबर्स ऑफ लाइन्स जो है वो फाइल्स में क्या इंक्रीज़ होता है तो so, इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर एक कंसेप्ट को इंक्लूड किया गया जैसे कहते हैं हम लोग फॉर लुक सो फॉर लुक कंसेप्ट क्या करता है कि जो भी हमें मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड अगर एग्जीक्यूट करना आएगा मल्टीपल टाइम्स उसको हम लोग फॉर लुक के अंदर डाल देंगे और वहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि हमें उस कोड को कितनी बार रन करना है ठीक है जैसे यहाँ पे देखिए फॉर इंडेक्स इन रेंज एन और स्टेटमेंट दे दिया गया है ठीक है तो इस स्टेटमेंट्स को मुझे एग्जीक्यूट करना है एन नंबर ऑफ टाइम्स ठीक है अब यहाँ पर इस कोड में आप देखेंगे हम लोग फॉर लूप जब भी यूज़ करते हैं तो पहले फॉर कीवर्ड वर्ड यूज़ करते हैं फिर ये जो है ये क्या है एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे ठीक है फिर हम लोग करते हैं इन कीवर्ड का यूज़ और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया है जिसका नाम है रेंज फंक्शन ठीक है ये रेंज फंक्शन क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से सो so, अभी के लिए समझिए कि कोई इंडेक्स है जो कि एक रेंज के बीच में है और उस रेंज के बीच में हमें उस स्टेटमेंट्स को एन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है ठीक है so, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म का सेंटेक्स होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है द रेंज एन जनरेट ऑफ एन इंटीजर स्टार्टिंग एट जीरो वैल्यू सो इट इंक्रीजेज द वैल्यू बाई वन अंटिल इट रीचेस एन मतलब जब भी हम लोग रेंज फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पे सपोज मैं देखता हूँ एन एन का वैल्यू सपोज है फोर तो क्या होगा रेंज होगा स्टार्ट वन से फिर जाएगा वन पे टू पे थ्री पे और फिर फोर पे और फोर जैसे होगा वैसे हमारा फॉर लूप क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा ठीक है so, सो कुछ इस तरीके से रेंज फंक्शन का फंक्शनैलिटी है अब इसको इन डिटेल्स में हम लोग समझ लेते हैं जैसे फॉर बाय डिफॉल्ट द रेंज फंक्शन यूज जीरो एज द स्टार्टिंग नंबर फॉर द सिक्स बट अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम लोग इसके चेंज भी कर सकते हैं सो रेंज फंक्शन जो है आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है वन वैल्यू फिर कभी कभी दो वैल्यू और कभी कभी तीन वैल्यू तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट हम लोग जो फंक्शनैलिटी है वो उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रेंज एन तो विल गो टू एन माइनस वन मतलब जब भी हम लोग रेंज सपोज रेंज के अंदर वैल्यू डालते हैं फाइव तो क्या होगा ये जो लूप है वो जाएगा ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव तक और फाइव पे क्या हो जाएगा लूप एंड हो जाएगा तो हमारा जो वैल्यू अगर सपोज प्रिंट भी करना रहेगा इंडेक्स वैल्यू तो हमारा ज़ीरो से लेकर फोर तक प्रिंट होगा ठीक है तो ये फर्स्ट फंक्शन है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेकेंड फंक्शन होता है रेंज जिसमें हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स को मैंसन करते हैं ठीक है कि स्टार्टिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करना है तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है और जो लूप है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा ये एक स्पेसिफिक पोजिशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे आप जो सेकेंड वेरिएबल लिखेंगे एंड तो क्या होता है जब भी हम लोग स्टार्ट मैंसन करेंगे तो स्टार्ट जो है वो इंक्लूडेड रहता है ठीक है ये इंक्लूडेड इंडेक्स वैल्यू है बट जब एंड है वो एंड क्या होता है वो एक्सक्लूड होता है तो जो वैल्यू हम लोग जाएंगे वो वैल्यू जो रहेगा वो एंड माइनस वन तक ही जाएंगे ठीक है एंड माइनस वन तक एंड थर्ड है यहाँ पे तो थर्ड में आप देखेंगे हमने क्या मैंसन किया यहाँ पे स्टार्ट सेकेंड एंड एंड थर्ड जो है वो स्टेप है अभी स्टेप का इंडिकेट करता है कि सपोज मेरे पास नंबर है ठीक है अब मैं लिखता हूँ वन ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक ठीक है अब मैं लिखता हूँ कि स्टार्ट ज़ीरो से हो जाए एंड टेंथ पे हो और जो जंप करेगा स्टेप का मतलब होता है जंप क्या होता है जंप और इंक्रीमेंट कितने से इंक्रीमेंट करेगा किसको तो स्टार्टिंग इंडेक्स को किसको इंक्रीमेंट करेगा तो स्टार्टिंग इंडेक्स को तो स्टार्टिंग इंडेक्स को सपोज जीरो से इंक्रीमेंट करता हूँ तो स्टार्टिंग कैसा जाएगा जीरो पे फिर ये दो से इंक्रीज़ करेगा ठीक है फिर जाएगा दो पे फिर जाएगा चार पे छः पे आठ पे और फिर दस पे जाके प्रोग्राम को क्या कर देगा एंड कर देगा तो इस तरीके से अगर हमें नंबर्स को स्किप करते हुए आगे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट डिक्लेयर करेंगे एंड डिक्लेयर करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग एंड वैल्यू को भी स्पेसिफाई करेंगे ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट डिक्लेयर करेंगे एंड डिक्लेयर करेंगे और साथ साथ में हम लोग स्टेप भी डिक्लेयर करेंगे कि हाँ भाई मुझे इतने इतने स्टेप से स्टार्टिंग इंडेक्स को मूव करना है सो so, हमने क्या सीखा इस पूरे कंसेप्चुअल वीडियो में हमने सीखा कि यूज़ द फॉलप स्टेटमेंट टू रन अ ब्लॉग फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि हम जब भी फॉर फॉलोप यूज़ करेंगे तो हम चाहते हैं कि उस ब्लॉक ऑफ कोड को फॉर फॉलोप के अंदर को हम फिक्स नंबर ऑफ़ टाइम्स एग्जीक्यूट करें किसी किसी केस में एक ऐसा भी होता है कि हम लोग जो कोड लिखते हैं वो इनफाइनइट लूप में चले जाते हैं एक इन्फाइनइट लूप करके भी कंसेप्ट होता है प्राइमरी लेवल के अंदर वो क्या इंडिकेट करता है कि हम लोग जो भी लूप क्रिएट किए उसमें कुछ ऐसा कंडीशन है जो कभी फॉल्स होगा ही नहीं तो कभी अगर फॉल्स होगा नहीं तो क्या हो जाएगा इन्फाइन लूप में चले जाएगा बट मेन पर्पज़ होता है फॉर लूप का कि हम जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसको हम लोग फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करें यूज़ द रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप टू कस्टमाइज द लूप अगर हमें लूप को कस्टमाइज करना है तो हम लोग तीन पैरामीटर वाले रेंज फंक्शन को यूज़ करेंगे सो so, बस दोस्तों आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा रहेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए जितना हो सकता है आप मुझे सपोर्ट दिखाइए सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर लूप के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को कवर करेंगे और वो भी काफ़ी बेस्ट वीडियो होने वाला है सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय जय हिंद